तो गाइस यार, जैसा कि आप सभी को पता ही है, टैटू बनवाना और टैटू की केयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने न्यू टैटू बनवाया और अगर आपको यही नहीं पता है कि उसकी केयर कैसे करनी है, तो आपके टैटू पे जो छोटी छोटी से आप गलतियां कर देते हो, जिसके कारण से जिसके रिजल्ट में आपके टैटू पे पिंपल या टैटू पक जाता है या टैटू पे फेड भी पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाई, इसलिए होता है दोस्तों, आपको आपकी टैटू की केयर करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती कि आपको टैटू केयर किस तरह से करनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन के साथ में करना चाहिए। जो 15 दिन स्टार्टिंग से होते हैं उसमें क्या क्या प्रिकॉशन करना होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके टैटू की केयर करना आता होगा तो आपका टैटू विदाउट किसी इन्फेक्शन से एक अच्छा टैटू बन के निखरेगा, अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइंस है तो। फाइनली गाइस, आज हम इस वीडियो में एंड तक पांच ऐसी बेस्ट क्रीम आपको टैटू की केयर करने के लिए बताएंगे कि आपको ऐसी पांच बेस्ट क्रीम के इस्तेमाल कब आपको करना है, कब कौन सी क्रीम का यूज़ करना होगा, जिससे आपका टैटू विदाउट किसी इन्फेक्शन के एक अच्छा टैटू बन के निकल पाए 15 या 20 दिनों के अंदर ही। दोस्तों पांच ऐसी जो बेस्ट क्रीम है मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, और हाँ एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि अब बस क्रीम का नाम जान के ही आप खरीद मत लेना या किसी भी तरह का यूज़ करना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी क्रीम का कब और किस में आपको यूज़ करना, कौन सी प्रॉब्लम है, कब आपको कौन सी क्रीम का यूज़ करना होगा, मैं आपको वीडियो में एंड तक बताने वाला हूँ। इसलिए खास करके भाई वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके टैटू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसी देरी के भाई। जान वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे ही आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप भाई इस भाई के चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार अपने भाई को देख रहे हो, तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपने भाई की फैमिली के साथ बन जाइए टैटू रिलेटेड और भी अधिक वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइस, सबसे पहली और दूसरी क्रीम, मैं दो क्रीम साथ में बताने वाला हूँ जिसका यूज दोनों सेम ही है, बस बजट जिन लोगों का कम होता है वो इन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? सबसे पहली क्रीम का नाम है सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट। इस क्रीम का शायद नाम हर एक टैटू आर्टिस्ट आपको बताते होंगे और हर एक लोग जो टैटू बनवाते हैं उसे हर एक इंसान को पता होगा। लेकिन सेकंड क्रीम आती है आपको बियर्डो की टैटू साइनर हाइड्रा जेल करके, टैटू साइनर बियर्डो की हाइड्रा जेल। ये दोनों क्रीम, सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट एंड बियर्डो की क्रीम का इस्तेमाल आपको कब करना होगा मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर आपका टैटू न्यू है, एक या दो दिन हुआ है, तो पहले से ही आप इस क्रीम का आप इस क्रीम को परचेस करके रख लीजिएगा अपने टैटू बनवाने जा रहे हो तो क्योंकि भाई इस क्रीम को आपको अप्लाई करने से ही आपके 15 दिनों तक विदाउट किसी इन्फेक्शन के आपका टैटू एक प्रॉपर टैटू निखार के देने का काम करती हैं ये दो क्रीमें। भाई ज़्यादा कोई भी कॉस्टली नहीं, दोनों क्रीम 300 रुपए के अंदर ही आती है। दोनों में से कोई भी आप क्रीम का यूज कर सकते हो, चॉइस आपके हाथों में। अगर आपका न्यू टैटू है तो भाई ऑयल सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट एंड बियर्डो की टैटू साइन हाइड्रा जेल, दोनों में से किसी भी क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हो। एंड दोस्तों आती है थर्ड क्रीम, आती है हमारी टैटू बाम करके, जो ब्रह्मा बुल करके कंपनी है, टैटू बाम करके एक क्रीम आती है। इस क्रीम का इस्तेमाल आपको कब करना होगा? देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल पहले से कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके टैटू पे पिंपल आ गए हैं, आपका टैटू पक रहा है और आपका टैटू फेड पड़ रहा है या आपके टैटू पे पपड़ियाँ बन चुकी है, तब आपको इस क्रीम का अप्लाई करना स्टार्ट कर देना होगा। और हाँ, ये क्रीम आपको मेडिकल से या जितनी भी मैं आपको क्रीम बताऊंगा मेडिकल से ही आपको परचेस करनी होगी। अगर मेडिकल पे भी आपके इलाके में नहीं मिलती तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से जाके उसे परचेस भी कर सकते हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हुई है टैटू लोग जो टैटू बनवाते हैं या टैटू पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उन लोगों के लिए ये क्रीम बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हुई है। भाई जिन लोगों के टैटू पे इन्फेक्शन होता है तो ब्रह्मा बुल टैटू बाम जैसे कि आप देख ही सकते हो, इस क्रीम का आपको यूज़ करना होगा। दिन में 3 बार आप लोग अपने टैटू पे इसे अप्लाई कर सकते हो। एंड दोस्तों आती है हमारी चौथी नंबर की क्रीम मैं पहले स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, खास करके इस क्रीम का वो हर एक गर्ल्स कर सकती है जो आप टैटू बनवाने का शौक रखते हैं या टैटू बनवा चुकी हैं। शुरुआत से ही फर्स्ट डे से ही आप इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। टैटू का नाम है टैटू साइनर जेल, हाइड्रा जेल है ये टैटू साइनर जेल। क्यों आप लोग को इस्तेमाल करनी होती है? क्योंकि जो गर्ल्स होती है उन लोगों की स्किन होती है सेंसिटिव होने की वजह से उनके स्किन पे इन्फेक्शन होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है।
इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी अपने टैटू को कवर करना है, बहुत जल्दी विदाउट किसी रिएक्शन के अपना टैटू एक प्रॉपर टैटू बनाना है। तो आप 7 डेज के अंदर ये कंपनी दावा कर देगी कि 7 दिनों के अंदर आपका टैटू एक प्रॉपर टैटू बनता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हाँ, 12 से 13 दिनों का ये क्रीम टाइम लेती है और आपके टैटू को प्रॉपर विदाउट किसी इन्फेक्शन के एक अच्छा टैटू बना के देती है। फिर से सुन लीजिए, इस क्रीम का नाम टैटू साइनर जेल, देखी भी रहा होगा, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हो। अब दोस्तों आते हैं 5वें नंबर की क्रीम। इस क्रीम को मैंने इसलिए ऐसे लास्ट में रखा है, जो लोग अपने टैटू बहुत ज़्यादा बड़ी साइज में बनाते हैं, विंग्स बनवाते हैं पीठ पे या चेस्ट पे या हाथों पे या बाइसेप्स पे, किसी भी तरह का टैटू जिसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, जो उन लोगों के लिए ये क्रीम का इस्तेमाल करना। भाई आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका टैटू कितना कॉस्टली है, अगर आपके टैटू की साइज़ बड़ी है और प्रोफेशनल आर्टिस्ट पे बना है तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा वो टैटू बनता है। तो बस 500 या 450 रुपये की बात और है, आप इसे खर्चा कीजिए। बड़ी साइज़ जिन लोग का टैटू है, जिन लोग की टैटू की साइज़ बड़ी है, वो लोग इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। क्रीम का नाम सुन लीजिएगा ध्यान से, टैटलॉक टैटू बाम करके इसका मेन कंपनी मेंशन भी कर देती है, हील प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज। देखिए दोस्तों, अगर आपका टैटू एक अच्छा रूप लेना चाहता है, बिल्कुल एक अच्छा विदाउट किसी इन्फेक्शन का, तो टैटू के लिए बस 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, हील प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज, ये तीनों चीज़ें आपको टैटू के एक विदाउट किसी इन्फेक्शन का अच्छा टैटू बना के देता है। इसलिए आपका टैटू बड़ा है तो भाई उसकी केयर करना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए भाई मेरी आपसे पर्सनल रूप से सजेशन है, आप इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, आपको विदाउट किसी इन्फेक्शन के आपका टैटू अच्छा टैटू बन जाएगा। अगर आपके टैटू की साइज़ बड़ी है तो आप इन क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जिन लोगों की टैटू की साइज़ छोटी है वो किसी भी और भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 4 क्रीम आपको बताई है। लेकिन हाँ, मैं जाने से पहले फिर से बता दूँ, वैसलिन या ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, किसी भी तरह के आपको जो बाहर से जो रोड साइड आर्टिस्ट बताते हैं, इन सब प्रोडक्ट का बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके टैटू पे इन्फेक्शन देती है। मानता हूँ ये मॉइस्चराइज करती है, लेकिन हील और प्रोटेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती है, आपको इन्फेक्शन के रूप में आपके टैटू फेड कर देती है या पपड़ी जमा देती है, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन भी आपको दे देती है। इसलिए आप थोड़े रुपये और खर्चा करके आप एक अच्छी सी क्रीम लेके अपने टैटू पे अप्लाई कीजिए, आपका टैटू बहुत अच्छा टैटू निखरेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आपके टैटू के हिसाब के, आपके टैटू के साइज़ के हिसाब से आपको पता ही चल गया होगा कि मुझे कौन सी क्रीम का यूज़ करना, आज से ही स्टार्ट करना या जब भी आप टैटू बनवाए तब से आपको स्टार्ट करना होगा। तो हाँ भाई, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि भाई आपको टैटू रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो पानी है या आपके टैटू पे इन्फेक्शन है या कुछ भी आप बात पूछना चाहते हो तो भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले संडे में मैं आपके क्वेश्चन को पिक करता हूँ और आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देता हूँ, आंसर के रूप में एक वीडियो बना के Q&A सेक्शन मैं रखता हूँ हर एक संडे को। देखना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल पर देख लीजिए, मैंने सवाल जवाब करके भी एक वीडियो बनाया जिसमें लोगों के कमेंट को पिक करके उनका आंसर भी दिया और लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो भाई आप टैटू बनवाना चाहते हो, फ्यूचर में भी आप टैटू रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो पाने, तो इस भाई को साथ में लेके जरूर चलना विदाउट किसी इन्फेक्शन के। इस भाई का एक ही लक्ष्य है, विदाउट किसी इन्फेक्शन के हर एक इंसान का टैटू बनना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा वो खर्चा कर देते अपने टैटू के, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन होने की वजह से उन्हें नाराजगी बहुत ज्यादा, बेचारे डिप्रेस भी हो जाते अपने टैटू को लेके, ऐसे ऐसे मेरे पास कमेंट भी आते हैं। तो भाई अपने भाई का एक बार सपोर्ट जरूर चलिए अपने टैटू को लेके। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपने भाई की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल का जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपने भाई की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।